वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव एफिशिएंसी फॉर अपकमिंग गवर्नमेंट वैकेंसी एग्जाम, कि आने वाले गवर्नमेंट वैकेंसी की एग्जाम में आप अपनी एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव करें। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को तुरंत लाइक करिए और शेयर करिए क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ही काम की है। आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि आपने किसी वैकेंसी का फॉर्म भरा है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल के हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल में मान लीजिए आपने एई जेई या आईटीआई किसी चीज का फॉर्म भरा है और आप चाहते हैं कि आने वाले एग्जाम में आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहे, जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें उससे ज्यादातर आपके क्वेश्चन सही हो, तो इस चीज के लिए आपको चाहिए कि आप रेगुलर स्टडीज करें। अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आपको हर टॉपिक क्लियर रहेगा और उसमें गलत होने का चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रेगुलर स्टडीज करें, आप डेली अच्छे से एक लिमिटेड टाइम बना लें कि हम इतने से इतने घंटे डेली पढ़ेंगे। तो अगर आप उतने घंटे डेली पढ़ेंगे तो आपकी एफिशिएंसी अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। और अगली चीज है, बहुत से लोग कहते हैं कि सर मैं अच्छे से पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी एग्जाम में जाता हूँ तो कई आसान क्वेश्चन गलत कर देता हूँ, तो उस चीज के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी एरर डिटेक्ट करिए कि मैं कौन से टॉपिक में ज्यादा गलती करता हूँ, कौन से टॉपिक में कम गलती करता हूँ। तो अगर आपने अपना ये फाइंड कर लिया कि आप कौन से टॉपिक में ज्यादा गलती कर रहे हैं, कौन से चैप्टर में आपके ज्यादा गलतियां हो रही हैं, कौन से चैप्टर में कम गलतियां हो रही हैं, तो आप बहुत ही आसानी के साथ उस चैप्टर को इम्प्रूव करेंगे और अपनी गलतियों को कम करेंगे। और ये आप कैसे कर सकते हैं, आप ये अगर आप एरर डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो भी आप एमसीक्यू करें या फिर कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो उसको लिख के करें और एमसीक्यू जितने भी हो आप उस टॉपिक के लिख के करें। अगर आप लिख के करेंगे तो क्या होगा कि आपको बाद में पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन हमने किए और कितने क्वेश्चन सही हुए। तो जिन चैप्टर्स में आपके क्वेश्चन की संख्या कम होगी, जो कम सही होंगे चैप्टर्स में, अब वो चैप्टर आपका वीक सेक्शन है तो उसमें आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो उस चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और आने वाले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप जो गलत कर रहे थे वो सही कर पाएंगे। तो ये आपका हो गया एरर डिटेक्शन। और उसके बाद होता है सिली मिस्टेक्स। तो ये बहुत ही कॉमन चीज है जो कि कैंडिडेट्स करते हैं कि एग्जाम में बहुत ही जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में वो सिली मिस्टेक्स करने लगते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा कुछ है और आपने पढ़ा कुछ, इसकी वजह से आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये थे आपके तीन तरीके जिसके जरिए आप अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम में अगर आप ये तीन चीजें को फॉलो करेंगे तो आने वाले एग्जाम में जरूर आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी। पहली चीज है कि आप डेली पढ़ाई करें, डेली अच्छे से पढ़ाई करें और सारे टॉपिक्स को क्लियर करें। और दूसरी चीज अपनी गलतियां ढूंढें कि आप कौन से चैप्टर में ज्यादा गलती कर रहे हैं, कौन से चैप्टर में कम। और तीसरी चीज है कि सिली मिस्टेक्स ना करें, गलत क्वेश्चन ना पढ़ें या फिर बी की जगह सी ऑप्शन पे टिक ना कर दें। तो इसी टाइप की जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन बहुत से लोग गलत कर देते हैं, तो ये चीज अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।